विद्यार्थियों नमस्कार, मैं नसीरा आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक का कक्षा आज हम कक्षा 10 का हिंदी विषय का व्याकरण का टॉपिक पढ़ेंगे समास। ये समास कक्षा 10 में दो अंक का आता है। तो समास टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे समास शब्द का अर्थ। इन समास शब्द का अर्थ ये होता है कि संक्षेप या छोटा। यानी समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या छोटा। समास शब्द दो शब्दों से समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है, सम का अर्थ पास और आस का अर्थ होता है बैठना। यानी शब्दों को पास पास कर देना है, पास बैठा देना समास कहते हैं। ये समास शब्द का अर्थ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे समास की परिभाषा। समास की परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग से बने नए सार्थक शब्द, सार्थक शब्द समास कहलाते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए सार्थक शब्द समास कहलाते हैं। समास के पश्चात अब हम समास विग्रह के बारे में पढ़ते हैं। समास विग्रह, समास विग्रह समस्त पद के सभी पदों को अलग 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 किए जाने की प्रक्रिया को समास विग्रह, समास विग्रह कहते हैं। जैसे समास विद्या बने भिन्न प्राप्त। इसका यह समस्त पद, इसका अपन विग्रह करेंगे, विग्रह तो योगा भिन्न और प्राप्त। तो समस्त पद में जो विभक्ति चिन्ह है वो भाई बदलता है। समस्त पद का जो विभक्ति चिन्ह जो है उसका बाद में लोप हो जाता है और विग्रह करने पर इसका विभक्ति चिन्ह आ जाता है। ठीक है, और समास विग्रह के पश्चात हम समास विग्रह के बाद हम बढ़ेंगे
कि समस्त पद, समस्त पद, समस्त पद मुख्यतः दो होते हैं, दो होते हैं, एक होता है पूर्व पद, पूर्व पद, और दूसरा होता है उत्तर पद। यानी पहले वाला को कहते हैं पूर्व पद और दूसरे वाला को कहते हैं उत्तर पद, ठीक है। हाँ, कहीं भी समास में अपने परिभाषा में लिखा था दो या दो से अधिक शब्द, तो कुछ दो या दो से अधिक दो शब्द, दो शब्द तो होते हैं समास में, लेकिन दो या दो से अधिक कुछ शब्द देख, जैसे तन मन धन, तो इस तरह देखेंगे तो बोले तन और मन और धन। फिर हम मन कर्म और वचन, इस कदम हम विधेय करेंगे तो मन और कर्म और वचन बनेगा, ठीक है। तो इसके पश्चात इन समस्त दो लिखते हैं, समस्त पद, पद, उत्तर पद, सॉरी पूर्व पद, उत्तर पद समास में है, समास में है। जैसे समस्त पद के माता पिता, पूर्व पद में माता यानी पहले वाला पद, उत्तर पद यानी बाद वाला पद पिता, और जब इसका समास विग्रह कर देंगे तो ये बन जाएगा माता और पिता, ठीक है। इसी प्रकार एक और देखो, पूजा घर, पूर्व पद में बनेगा पूजा, उत्तर पद में आ जाएगा घर, और जब समास विग्रह करेंगे तो बनेंगे पूजा के लिए घर, ठीक है। इसके पश्चात, इसके पश्चात हम पदों की, पदों की प्रधानता के आधार पर, आधार पर समास का वर्गीकरण, का वर्गीकरण यानी अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीही समास, बहुव्रीही समास। पहला पद प्रथम पद यानी पूर्व पद यदि प्रधान हो तो अव्ययी भाव समास होता है। दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान हो तो तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। और दोनों ही पद प्रधान, दोनों ही पद प्रधान तो द्वंद्व समास होता है, और द्वंद्व में तो पीछे तो बच गए हैं,
एक नाम है द्विगू समास और एक कर्म भारी समास। इसमें भी दूसरा पद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, और दोनों ही पद अप्रधान, यानी प्रधान नहीं होगा, और अर्थ के आधार पर तीसरा आप लिखेगा वो होता है बहुव्रीहि समास, वो होता है बहुव्रीहि समास, यानी पदों की प्रधानता के आधार पर इन पद होते हैं उत्तर पद और पूर्व पद। इसके आधार पर भी समास का ये भेद होता है कि यदि अव्यय भाव समास है उसका प्रथम पद महत्वपूर्ण होगा, और तत्पुरुष समास है उसका उत्तर पद यानी दूसरा पद महत्वपूर्ण होगा, और द्वंद्व समास है दोनों ही पद प्रधान होते हैं, और यदि बहुव्रीहि समास है तो दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, और अर्थ के आधार पर कोई तीसरा अर्थ निकलता है, ठीक है। और द्विगू समास और कर्मधारय समास में भी दोनों जो उत्तर पद यानी बाद वाला पद ही महत्वपूर्ण होता है। अब हम समास के बारे में देखेंगे, समास के भेदों के बारे में देखेंगे। अभी अपने जाना समास शब्द की परिभाषा, समास की परिभाषा, पदों के आधार पर वर्गीकरण, और समस्त पद के पदों के की रचना के बारे में अपने सीखा। अब हम पढ़ेंगे ये समास होते कितने हैं। ये समास छह होते हैं मुख्य रूप से, समास छह होते हैं, यानी ये हिंदी के तत्व ग्रंथ है, छह को तो बोलते हैं छह, ये सही समास छह होते हैं, ठीक है। पहला समास नंबर एक नंबर अव्यय भाव समास, अव्यय भाव समास अपन ने पढ़ा था अव्यय भाव समास के बारे में कि अव्यय भाव समास में प्रथम पद महत्वपूर्ण होगा, कि इस समास में इसमें प्रथम पद, प्रथम या पूर्व पद प्रधान होता है, प्रधान होता है और अव्यय होता है, अव्यय। यानी समझे अव्यय का क्या मतलब है, अव्यय का अर्थ अव्यय शब्द का अर्थ होता है जिसमें लिंग वचन काल, लिंग वचन और कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात वह अपना रूप जो है वो सदैव एक जैसा रहता है, यानी लिंग वचन, लिंग वचन और काल आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अब हम उसके कुछ उदाहरण पढ़ेंगे, उदाहरण के रूप में इसकी कुछ पहचान लिख देते हैं, पहचान इसमें अनु आ भर ते आति सब आते हैं, अब ये भाव समास के उदाहरण लिखेंगे, जैसे करेंगे समस्त पद लिखते हैं पूर्व पद, फिर लिखते हैं उत्तर पद, और फिर लिखते हैं समास की विधि, समास की विधि। अब हम लिखेंगे प्रतिदिन, प्रतिदिन प्रति दिन, प्रतिदिन का समास होगा
प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन, यानी इसका कोई अर्थ नहीं होगा, प्रत्येक अर्थ प्रत्येक। यानी अपन ने पढ़ा था कि अगले वास मास में पूर्व पद प्रदान होता है। पूर्व पद का मतलब कि प्रतिदिन, जो समस्त पद में प्रति और दिन दो पद है, उसमें दिन का तो कोई दोहल नहीं है, दिन का तो दिन ही जाए, लेकिन जब इसका समास विक्रय करा तो ये प्रत्येक दिन में बदल गया, यानी इसका पूर्व पद क्या हो गया, प्रधान। उसी प्रकार कुछ देखो और आ जन, पर पूर्व पद में आ और जन, उत्तर पद में जन, इन जन्म से लेकर, जन्म से लेकर, यानी इसमें प्रथम पद जन्म, तो जन्म किसी के राय आ जन्म से लेकर, यानी इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है। और लिखते हैं भर पेट, इसका यहां बनेगा भर और यहां बनेगा पेट, यानी पेट भर कर, इसका जो विक्रय करेंगे समास पेट भर कर। इसी प्रकार हम अनुरूप यथा शक्ति, यथा शक्ति, यानी यथा शक्ति, यथा और यहां शक्ति, अर्थात तो उसका समास करेंगे तो बोलेंगे शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, ठीक है। इसी प्रकार यथोचित, यथोचित, पश्चात हम पढ़ेंगे द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु समास के अंदर इस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है तथा विग्रह करने पर समूह या समाहार, समाहार, समाहार आदि शब्द आते हैं, जैसे समस्त पद, पद पूर्व पद, उत्तर पद और समास, समास विग्रह। इसके कुछ उदाहरण लेते हैं अपन, तो नवरत्न, नवरत्न इन प्रथम जो पद है वो संख्या होती है, ठीक है। प्रथम पद नव रत्न क्या होगा, नौ, नौ को पद है नौ, नौ रत्न, यानी इसका जब अपन समास विक्रय करेंगे तो ये बनेगा नौ रत्नों का समूह, क्या बनेगा नौ रत्नों का समूह। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सप्ताह, सप्ताह सात सात दिनों का समूह, इस
इसी प्रकार कहते हैं सता सत सो अवधि अवधि होता है वर्षों यानी 100 वर्षों का समय ठीक है। इसी प्रकार त्रिभुज त्रि और भुज तीन जानते हैं तीन भुजाओं का समूह यानी यहां पर तो प्रथम जो पद है वो सारे के सारे संख्या बचे और प्रथम पद संख्या जो होता है अंतिम जब उसका विग्रह करेंगे तो यहां समूह या समाह शब्द आता है। इसी प्रकार एक और दे देते हैं तिरंगा यहां तिरंगा तीन रंगों का समूह एक और उदाहरण है त्रिलोक तीन लोकों का समूह। आज हम बाकी के जो बच्चे हैं जो समास है जो बच्चे हैं चार वो हम कल के वीडियो में अगले करेंगे।